नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भानु भार्गव और आज उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का ये पहला पेपर हुआ है और इस पेपर में ज्योग्राफी का आज पेपर था और सुबह की शिफ्ट में ये पेपर था, एक ही शिफ्ट में पेपर था। कुछ स्टूडेंटों ने मुझे कुछ क्वेश्चन बताया हूँ, उसका मैं रिव्यू लेकर के आया हूँ कि किस टाइप से इस वीडियो में देखेंगे, किस टाइप से पेपर आ रहा है और आगे की तैयारी आपको किस प्रकार से करना है। तो इस पेपर में हम जानेंगे दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पेपर में जीके के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, हिंदी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, और गणित से क्वेश्चन या रीजनिंग से क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं, इंग्लिश से और बाल विकास से, तो इसके बारे में, और साथ में ज्योग्राफी से जो 100 नंबर का सब्जेक्ट वाला ज्योग्राफी का था तो उससे किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। और अधिकतर लोगों की राय हमने देखी इसमें तो मिली जुली आई है कि पेपर 50% पेपर तो सामान्य आया, 50% टफ आया है। यहाँ पे मैं कुछ स्टूडेंटों का नाम भी लेना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे फ़ोन करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और इस पर मुझे बताया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। तो एक तो अंकित पाल, इन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन बताए हैं, साथ में प्रताप बाथम, इन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन बताए हैं और बाकी और स्टूडेंट हैं उनके भी मुझे ईमेल के द्वारा क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, आप मुझे ईमेल bhanubhargav888@gmail.com पर भेज सकते हैं, साथ में इसकी लिंक दे दूंगा और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे मुझे कॉल करके प्रतिदिन का बता सकते हैं कि आपके कितने नंबर आए हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं, तो मैं आपको ये रिव्यू पेपर का लेकर के आ सकता हूँ। तो देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं इसमें। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, हॉकी मैच में कितनी बार गोल्ड मेडल जीता है, तो ये दोस्तों 7 बार जीता है। पृथ्वी जब सूर्य के सबसे निकट होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो अपसरका कहते हैं, और सबसे अधिक तो दूरी पर होती है तो अपसरका कहते हैं। बुद्धि लब्धि सिद्धांत किस सन में दिया गया, तो ये इसके ऑप्शन पता नहीं है लेकिन इससे क्वेश्चन आया था तो ये 1904 में दिया गया था आई थिंक। मध्य प्रदेश से किस पुरस्कार में नगद राशि दी जाती है, तो ये पुरस्कार में शिखर पुरस्कार में नगद राशि दी जाती है, इसका ये सही है। मध्य प्रदेश का कम लिंगानुपात वाला जिला क्या है, तो ये लिंगानुपात यानी जनगणना से भी कुछ क्वेश्चन आए हैं और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भिंड है और इसका सबसे प्रति 1000 पुरुषों पर 837 महिलाएँ हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान वाला जिला शिवपुरी है। अक्षांश रेखाओं की संख्या, ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन है तो इसमें अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होती है जबकि देशांतर रेखाओं की संख्या 360। भारत के किस राज्य की तटवर्ती सीमा सबसे लंबी है, ये भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है और गुजरात राज्य की सबसे तटवर्ती सीमा सबसे अधिक लंबी है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है, ये क्वेश्चन आया था तो उसमें एक ऑप्शन दिया था आंध्र प्रदेश, तो ये बाकी 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगी हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या क्या है, सो 7.25 करोड़ है दोस्तों, ये भी जनगणना से क्वेश्चन आया। योजनाओं के भी बहुत सारे क्वेश्चन आए जिसमें से लाडली लक्ष्मी योजना कितने वर्ष में पूरी हो जाती है, तो 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद लाडली लक्ष्मी योजना कई जो धनराशि प्राप्त होती है। बॉक्साइट किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा झारखंड, दूसरे नंबर पर ओडिशा। मध्य प्रदेश का बाबरमा जिला किसे बनाया, दोस्तों इस पर मैंने वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हो। और क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से ये मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला जो कि जुलाई में घोषित हुआ है और निवाड़ी जिला है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये करंट का ये क्वेश्चन है। उज्ज्वला योजना किस से संबंधित है, गैस सिलेंडर से संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के संसाधन या खाना पकाने में उपलब्ध कराया गया गैस सिलेंडर इसके द्वारा। किस राज्य में टाइगरों की संख्या सबसे अधिक है, तो कर्नाटक राज्य में सबसे, वर्तमान में देखा जाए तो कर्नाटक राज्य में टाइगरों की संख्या सबसे अधिक है, ये अच्छा क्वेश्चन आया है। दूसरे नंबर पे बंगाल और मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है, हालांकि कहा जाता है कि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, बट देखा जाए कि टाइगरों की संख्या सबसे अधिक है तो वो कर्नाटक राज्य में। मध्य प्रदेश का नवनिर्मित राष्ट्रीय उद्यान, ये करंट जी के क्वेश्चन आया पिछले महीने, ये बनाया हुआ है और नेशनल पार्क जो है वो कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान है, यहीं पर गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई शेर को लाना
प्रस्तावित है जो कि अभी तक नहीं आ पाया, बट ये अभ्यारण्य से नेशनल पार्क बन गया दोस्तों। इसके अलावा पाक जल डमरू किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है, मन्नार की खाड़ी और तमिलनाडु के बीच में स्थित ये पाक जल डमरू है। इसके अलावा इसमें देखते हैं हिंदी से जो क्वेश्चन आए हैं, रस से कुछ क्वेश्चन आए हैं, छंद से आए हैं, पर्यायवाची से आए हैं, ब्लोम शब्द, अलंकार, जैसे कि चांदी का एक स्टूडेंट बताया कि पर्यायवाची तो रजत उसमें दिया था, तो ये देख सकते हैं। बाल विकास में समावेशी शिक्षा, ये इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, मूल्यांकन से आ रहे हैं, बुद्धि वाले चैप्टर, थॉर्नडाइक, पावलोव, यथार्थवादी। ये थॉर्नडाइक पावलोव दोस्तों सभी कुछ स्टूडेंट के बोल रहे थे कि ये वर्ग दो का चैप्टर है और इससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो देखिए दोस्तों इससे भी क्वेश्चन आ रहा है, ये अधिगम वाले चैप्टर का से रिलेटेड है। और गणित में भी सामान्य से क्वेश्चन आए हैं, अनुपात, समानुपात, औसत, वर्क एंड टाइम वगैरह इससे रिलेटेड, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी हैं इसी में। और ईडियम्स इंग्लिश में भी ईडियम्स, सिनोनिम्स वगैरह ये भी इजी से आए हैं। इसके अलावा दोस्तों आज का जो ज्योग्राफी का जो पेपर हुआ है वो समथिंग कहा जाए कि औसत पेपर रहा है, कुछ स्टूडेंटों की ज़्यादा अधिकतम प्रतिक्रिया आई है उसमें 90 के आसपास ही नंबर आ रहे हैं, कुछ के 106, 108 इस प्रकार से नंबर आए हैं, और जो कॉमन पे है उसमें नंबर अच्छे आ रहे हैं, बट जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी उसमें कम नंबर खींच पाए हैं दोस्तों, तो ये थोड़ा सा टफ लगा है। और इसी प्रकार से आप चैनल पर बने रहिए और अधिक से इसे शेयर कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट्स में लिखिए आपके कितने नंबर आ रहे हैं, या फिर आपको कोई क्वेश्चन प्राप्त होता है तो उसे भी कमेंट्स में लिख लीजिए। इसके अलावा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, और प्रतिदिन इस चैनल पर प्रत्येक सब्जेक्ट का रिव्यू, प्रतिदिन के पेपर का रिव्यू आता रहेगा, तो आप इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए इस वीडियो को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।